से उतर गई थी। पुराने प्यार हो गए। संजय भूषण प्रोड्यूसर है, आप प्रोड्यूसर है, आप आपके फिल्म के प्रोड्यूसर भी रह चुके हो। नहीं ठीक है, हो सकता है कि उनके जहन में चीजें नहीं होगी और उतर गई होगी। एक दो सिनेमा देखिए, होता क्या है ना कि कुछ सेंटर ऐसे होते हैं ना कि एक दो हफ्ते में वहां से उतर जाती है सिनेमा, तो वो छोटे छोटे सेंटरों को काउंट करके बोल दिए होंगे ना कि बड़ी अगर हो सकता है जो उनके जहन में उससे बेहतर कोई सिनेमा चली हुई तो उनको भी बता देना चाहिए कि उसके उसके पहले या उसके बाद में कोई सिनेमा उससे बेहतर चली है तो उनके जहन में नहीं होगी। ठीक है, अब वो किस भाव में बोल दिए। और आप बताएं, आप इंडस्ट्री में, भोजपुरी के इंडस्ट्री में किसी से खेसारी के लिए अगर सवाल करिएगा ना, खेसारी के काम के लिए सवाल करिएगा, तो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको नहीं मिलेगी और ना ही मेरे बारे में कोई अच्छा बोलता है। तो जो मेरे बारे में अच्छे नहीं बोलते हैं वो भी, उनकी भी जरूरत होता हूं मैं, क्योंकि भाई आपके बोलने से मेरे जीवन तो चलती है नहीं, और मेरे लिए क्या बोलते हैं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं क्या करता हूं ये मेरे लिए मायने रखता है। लोगों का काम है बोलना, जो मेरे अपने हैं वो भी, उनके लिए भी सक्रिय नहीं हूं मैं, शायद उनको लगता होगा, लेकिन मैं जनता के लिए सक्रिय हूं। और जनता मुझे पता है कि जनता कितना प्यार देती है कितना प्यार नहीं देती है, और शायद जिन्होंने बोला है उनको भी प्रोड्यूसर बनाने का काम मैंने ही किया। मुझे लगता है कि उनको भी ये याद रखना चाहिए। और उसका पैसा रिलीज के 6 महीने बाद मैं लिया था। अब इतना कॉपरेशन करने के बाद, इतना कॉपरेट करने के बाद भी अगर उनको लगता है कि मेरी सिनेमा नहीं चलती है, तो भगवान करे आप मेरे साथ कभी सिनेमा ही मत करिए। जब मैं चलता ही नहीं हूं तो आप क्यों आइएगा? अपना पैसा बर्बाद आप मत करिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, मैं अपने जीवन में खुश रहेंगे, हम मिलेंगे एक दूसरे से, भाईचारा हमेशा बनी रहेगी। ना आपके पास हीरो की कमी है, ना मेरे पास प्रोड्यूसर की कमी है, तो हर आदमी तो कहीं ना कहीं सक्रिय ही है। क्या उनके नजर में लिट्टी चोखा और आज की फ्लॉप फिल्म है और उनकी फिल्म जो प्रोड्यूस की वो सुपर हिट है, बस यही जोक है आजकल। अरे ठीक है, अच्छा उनकी फिल्म जो रिलीज हुई है उसमें भी हीरो मैं ही हूँ ना, उसमें भी हीरो मैं ही हूँ, तो भाई ठीक है उनके नजर में वो नहीं चली, वो चली तो चला कौन, खेसारी है ना, चला तो खेसारी है, तो भाई कहीं ना कहीं चला ना। तो लोगों का प्यार है और किसी एक के कहने से हमारी फिल्में फ्लॉप नहीं हो सकती। आपको पता है ना कि अवार्ड भी होता है तो 4 लोग डिसाइड करके दे देते हैं, तो क्या मैं कलाकार नहीं हूं? ठीक है, उन 4ों के नजर में मेरी अहमियत नहीं होगी, कोशिश कर रहा हूं कि भाई उन 4ों के नजर में भी मेरी अहमियत बन जाए, इससे ज्यादा क्या करूंगा। सर पवन जी से आपका एक मुलाकात हुआ था अभी अभी कुछ, तो ऐसा खबर मार्केट में, क्या बात हुई आपका पवन जी से? पवन जी से मुलाकात कब हुआ था सर? ऐसा बात सुन रहे मार्केट में खबर। अरे बताइए, जब हम एक ही दुनिया में रहते हैं, एक ही दुनिया में रहते हैं तो कभी वो हमसे मिलेंगे, हम कभी मिलेंगे, एक ही क्षेत्र है, एक ही फील्ड है, एक ही भाषा है, एक ही भाषा के बेटे हैं हम लोग, तो उनसे दुश्मनी मेरा कब था? वो तो बात की बात होती थी। देखिए ये बताइए कि नेता आपस में लड़ते जरूर है, लेकिन जब संसद भवन में जाते हैं तो सबकी कुर्सी तो एक ही संसद भवन में लगती है ना, तो ऐसा थोड़ी है जब सबकी कुर्सी अलग अलग लगती है। तो बात की बातें हैं, उनकी बातें मुझे कुछ बुरी लगी, मैंने रिएक्ट किया, मेरी बातें उनको कुछ बुरी लगी होगी, उन्होंने रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करना ये तो जाहिर सी बात है कि देखिए मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आता है, मैं जिंदा हूं तो मुझे दुख भी होता है। अगर कोई मुझे कोई बात कहता है और मैं जिंदा हूं तो मुझे समझ में आएगा और मैं रिएक्ट करूंगा। आज ठीक है, आप बॉडी में जो वेट आपका काफी कम नजर आ रहा है, शेप्स ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं शायद आजकल बॉडी को लेकर। देखिए मेरे कहने का मतलब कि हमारे पास संपत्ति कितना है अनंत जी, मुझे नहीं लगता कि किसी को पता होगा और कोई जानने में इच्छुक भी है। 1000 करोड़ हो चुका हमारा, देखिए हमारे अकाउंटेंट यही है, 1000 करोड़ हो गया कहाँ से, मैंने फालतू गजब खत्म आदमी है गूगल बता रहा है, बताया ज्यादा मतलब गूगल बता रहा है, गूगल को छोड़िए ना, गूगल कुछ नहीं होता है, गूगल पे तो डालिएगा कि भोजपुरी का नंबर वन कौन है, तो खेसारी लाल यादव ही आता है, तो सही है, उसमें गलत क्या है, भोजपुरी किंग कौन है, तो खेसारी आता है, सही में बताता हूँ, गलत थोड़ा बताता हूँ, हम लोगों के दिल में कितना रहते हैं ये मायने रखता है, हम गूगल पे रह के क्या, मतलब आप कहना चाहते हैं आप नंबर वन नहीं है? अरे नहीं, मैं नंबर वन अपने लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपनों के बीच में रहना चाहता हूँ, अपने जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। गूगल पे संपत्ति हमारा
शरीर ही है। गूगल पे अगर सलमान खान के साथ भी डालते हैं कि बेस्ट हिंदुस्तान के हीरो कौन है तो खेसारी लाल। अच्छा ये भी आता है। चलिए यह पता चल गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, सलमान जी का एक अलग औरा है और हमारे बड़े क्या बोले बड़े भाई की तरह है और बड़े स्टार है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बगल में खड़े हों, बस हम कोशिश ही कर रहे हैं और आज नहीं तो कल ये जरूर होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जी खेसारी जी, कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके आने की बात चल रही है रेमो के साथ और कई बड़े लोगों के साथ प्रोजेक्ट की बात चल रही है, आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए प्रोजेक्ट तो बहुत सारे हैं, टी सीरीज का भी है, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों का भी है, सारेगामा से लेकर एसपीयू से लेकर हमारा ग्लोबल म्यूजिक से लेकर जितनी भी हमारी कंपनियां हैं सबके लिए मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अन्नपूर्णा भी है, मैंने बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लिए मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और सब लोग बहुत ईमानदारी से मेहनत भी कर रहे हैं अपने काम को अंजाम देने के लिए। तो देखिए अब धीरे धीरे सब कुछ आता रहेगा, अब आया हूँ लगातार काम ही कर रहा हूँ भाई, कल ही कम से कम मुझे लगता है 10 गाने गाया हूँ मैं, उसके बाद यहाँ आया यहाँ से फिर गाने गाने गया, 4 बजे सुबह घर पर पहुँचा, फिर 5 बजे 6 बजे के आसपास मैं सोया, फिर 11 बजे उठ के आ गया, एक फिल्म का पूरा डबिंग किया, 4 गाना फिल्म का गाया, फिर आया हूँ फिर गाने जाऊँगा गा के फिर जाऊँगा फिर कल शूट करूँगा। तो वो तो सिलसिला मेरे जीवन में है, कहीं कि मैं बैठने वाला इंसान नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ कि काम करते रहूँ करते रहूँ। जी तो क्या शूट होने जा रहा है सर? क्या कल मैं कुछ गाने कर रहा हूँ एल्बम के अपने जी, उसके बाद फिर कुछ प्रोजेक्ट है तो और बाहर भी जाएंगे और बाहर के बाद फिर एक सिनेमा है तो फिर लखनऊ जाऊँगा। हिमेश रेशमिया साहब के साथ आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं शायद उसकी जानकारी है और डीजे ब्रेवो के साथ ही आपके प्रोजेक्ट की बात है? मेरे नजर में चीजें नहीं होती है, वो सब विवेक के नजर में होती है, तो विवेक अपना वो उनका काम है कि अपना विवेक अपने हिसाब से जहाँ भी उनको लगता है प्रेजेंट करना चाहिए वो उनके जिम्मे रहता है। मेरे कितने बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मुझे सिर्फ मैं काम को इंजॉय करता हूँ, मुझे कहाँ लेकर जाना है, कहाँ उठा के फेंक देना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ खिलाना है, वो सब भी देख के जिम्मे रहता है और वही करते रहते हैं। फिल्म कौन सी जाने वाली है खेसारी जी इसके बाद? अभी फ्लोर पे तो फरिश्ते जा रही है हमारी जी, मेरे और लाल बाबू पंडित की और साउथ के प्रोड्यूसर हैं वो, देखिए। गीत आजकल पूरे वर्ल्ड वाइड में देखा जाए तो भोजपुरी सिर्फ गाने की धुन में, फिल्मों की धुन क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है कि उसमें मेहनत हम लोग नहीं कर पा रहे हैं? देखिए उसमें मेहनत, देखिए मैं क्या बोलूं कि कहां कमी है, हम 5 आदमी के लिए काम करते हैं समझे, और जब तक हम 5 आदमी के यानी 5 परिवार हमारा, अगर मान के चलिए हम है, हमारी बीवी है, 2-3 बच्चे हैं या 4-5 परिवार जब हमारा है तो हम अपने परिवार के लिए अगर सोचेंगे तो उतना ही लोग हमें देखेंगे और उतना ही लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन जब हम 130 करोड़ जनता के बारे में सोचेंगे तो शायद हम बेहतर कर पाएंगे। हमारे सिनेमा में डायरेक्टर भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन सबको अपना घर चलाना है तो उस बेस पे और उस बजट में वो नहीं सोच पाते हैं, तो हो सकता है कि भाई उसके लिए बजट का भी जरूरी होता है और हमारी सोच अगर बड़ी हो तो शायद कोई ना कोई आकर इस पे गेम करेगा और ये बड़ी होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि भोजपुरी के सबसे ज्यादा गाने सुने जाते हैं वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड में हमारी तीसरी स्थान होती है, चौथी स्थान होती है, तो अगर हम सर्च होते हैं तभी तो होती है, ऐसा तो होता नहीं। 35-40 करोड़ जनता है साउथ की, अगर ओरिजिनल लोभी लैंग्वेज है, पुष्पा जैसी फिल्म करोड़ों में जाती है, 10 करोड़ छोड़ी थी उसको 100 करोड़ पहुंच जाती है, कभी उससे ऊपर पहुंच जाती है, लेकिन भोजपुरी की क्या सोच यहीं तक रहेगी कि आगे कुछ बढ़ सकती है? देखिए ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बता सकता है हमें जिस रूप में ढालेगा। मैं अच्छा ठीक है, मैं आज BMW की तरह हूँ राइट, आप BMW हैं? मैं BMW मानूंगा, आप मान लीजिए कि मैं BMW, लेकिन मुझे जिस टाइप का रोड दीजिएगा उसी टाइप का स्पीड दूंगा ना मैं, तो मुझे अगर रोड मिलेगा तो भाई स्पीड भी उसी हिसाब से होगी, अब खाटा दे दीजिएगा तब कहिएगा कि ना तू उड़ा दो, हम सकर तोड़ ली उड़ा के, हम अपन टायर फाड़ ली, नहीं हमें जिस हिसाब से रोड मिलेगी उस हिसाब से हमें तेल मिलेगी उस हिसाब से हम चलेंगे, क्योंकि हमारे अंदर स्पीड है, हमारी स्पीड बहुत है। कहने का मतलब यह है आपको कि ऐसे प्रोड्यूसर ऐसे डायरेक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं है जो इस तरह की फिल्में बना पाए? नहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है, हैं लोग बट क्या मजबूरी है ये मुझे पता नहीं। खेसारी जी